बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम देखने और सुनने वालों। आज मैं आपको वेजी पिज़्ज़ा बनाने का बताती हूँ। वेजी पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, और इसके लिए सबसे पहले मैंने जो डो बनाई थी इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। अब मैंने ये डो बनाई, देखे माशाल्लाह कितनी अच्छी डो बनी है। आप देख रहे हैं इसको, ये देख सकते हैं आप, देख पिज़्ज़े की डो कितनी अच्छी बनी हुई है। इसके बाद अब हम एक लेंगे, इसमें बीच में से निकालेंगे पिज्जे के लिए बॉल सा बनाएंगे इसका। ये इस साइज का हम बनाएंगे बॉल, और इसको ना आधे घंटे के लिए हम इसमें रखेंगे। ये इसमें आके फिर पॉप अप होगी, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पिज्जा कैसे बनाते हैं। ये यहाँ रख देंगे, इसको हम इसको ढक देंगे अपने सेकंड पिज्जे के लिए। ये है, इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के इसी पेपर से हम लोग इसको ना यूं ढक देंगे। इसको आधा घंटा रखे रहने देंगे, इसके बाद फिर हम इसका वेजी पिज्जा बनाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी पिज्जा कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पिज्जा डो कैसे पॉप अप हुआ, और फिर हमने छोटा सा पहले बॉल बनाया, उसके बाद आधा घंटा इसको इसमें डाल दिया, ये और पॉप अप हो गया, ये देख लें। इसके बाद हम सूखा आटा लेंगे। ये मेरी चीज़ है, ये मेरी वेजिटेबल है। वेजिटेबल में मैंने लिया बेल पेपर, शिमला मिर्च, टमेटो, अनियन, प्याज, टमाटर, और ये इधर मैंने चिकन बनाया है। चिकन को मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें सिर्फ कढ़ाई फ्राई मसाला डाला। और ये मेरी पिज़्ज़ा सॉस है, ये भी कोई स्पेशल नहीं है। ये आम आप दुकान पे आम जो टमेटो पेस्ट या कोई भी आप डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ले लें, टमेटो पेस्ट ले लें, कोई भी ये चीज़ ले लें। अब हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा। तो कैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी हमें अब हमने इस पे रखे, कोई हमें बेलने की जरूरत नहीं है। बगैर बेलने के इतना अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा आपका। ये देखिए, ये बड़ा होता जा रहा है। अब हम इसको यूं करेंगे, ये देखिए, इसको फुलाएंगे, और इसके बाद हम इस पर डाल देंगे। इसके पिज़्ज़ा ट्रे पे आ गया जी। और जो क्रस्ट हमने सेंटर वाली रखनी है जी, जितनी भी ज़्यादा हो सके आपने बिल्कुल इसको बारीक रखना, इसको मोटी नहीं होने देना। अगर ये मोटी होगी तो आपका पिज़्ज़ा जो है वो कच्चा रह जाएगा, इसलिए दरमियान से क्रस्ट आपकी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये इतना अच्छा क्रिस्पी, और 10 मिनट्स में आपका जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो जाएगा। 10 मिनट्स और इससे पहले आपने ऑयल की कोटिंग कर लेनी है ट्रे पे, ताकि पिज़्ज़ा ट्रे के साथ ना चिपके। ये देखिए जी हमारा कितना अच्छा बीच में बिल्कुल हमने बारीक क्रस्ट तैयार कर लिया। अब हम सबसे पहले इस पे डालेंगे केचप। केचप भी हमने कोई इतनी ज़्यादा नहीं डालनी। पर ये देखे ना, मैं बारीक बारीक केचप लगा रही हूँ, कोई इतनी ज्यादा मोटी लेयर नहीं इसकी डालनी बनानी आपने। बस इतनी केचप लगानी है आपने। बस ये हमारी केचप फिनिश।
और इस नेक्स्ट स्टेज हमने चीज डालनी। बिल्कुल आप ऐसे पिज़्ज़ा जो बनेगा जैसे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा की दुकान से आपने ख़रीदा है, और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बाहर से फ्री पिज़्ज़ा ख़रीदें, आप ज़रूर इसको देखें और इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। ये देखिए हमने सारी चीज़ डाल दी। चीज डाल गई, अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन पेपर। ये हम इसको खूबसूरत से हम इसको ना डेकोरेट कर देंगे खूबसूरती से। ये हमारी डेकोरेशन होगी बड़ी प्यारी। अब हमने डालने आनियन, ये देखिए हमने आनियन, अब हम इस तरह इनको आनियन रिंग जो है वो बारीक बारीक काट लें और आप इनको ऐसे लगा दें। ये देखिए ये फूलों की शक्ल बन गई। अब हमने ये देखिए अब हम इसको करेंगे, ये हमारा चिकन है, हम चिकन इसको लगा देंगे सेंटर में, इसकी चिकन से फिलिंग करते जाएंगे इसके साथ। देखने में भी खूबसूरत होगा और खाने में भी आपको अच्छा लगेगा, और आपके आई थिंक गेस्ट घर में आए आप ज़रूर ट्राई करें इसको। देखिए बाहर हम इसको लगाते हैं और इसके बाद हम इसको सेंटर में भी लगाते जाते हैं थोड़ा जो और ज़्यादा हो जाए। चले जी माशाल्लाह, अब हम इसको देते हैं विद इन 10 मिनट्स ये आपका रेडी हो गया जाएगा। ओवन हमने तकरीबन आधा घंटा पहले हम लोग इसको ओवन को रख चुके हैं, अब इसमें नीचे रखेंगे इंशाल्लाह ताला 10 मिनट में रेडी होगा। और इतनी देर हम वेट करते हैं, चले नेक्स्ट फिर मिलते हैं आपसे पिज़्ज़ा जब रेडी होगा। हाँ जी माशाल्लाह जी, देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह क्रस्ट, देखे ब्राउन बिल्कुल ज़रा कच्चा नहीं बना। ये 10 मिनट में ये देखिए सारा पिज़्ज़ा पक गया। ये देखिए हम इसका पीस एक निकालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए और ये देखिए क्रस्ट, ये बिल्कुल बारीक क्रस्ट, और नीचे से ये देखिए बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह ब्राउन और क्रिस्पी। ये देखिए आप सुन रहे होंगे आवाज़, ये देखिए क्रिस्पी क्रस्ट और बिल्कुल बारीक क्रस्ट, और बिल्कुल हमारा ये बाजार की तरह आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से कैसे ये पॉप अप हुआ, ये बिल्कुल कहीं कच्चा नहीं आपको ब्राउन क्रस्ट नजर आएगा। बिल्कुल पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा स्टोर की तरह आपका पिज़्ज़ा रेडी हो गया। आप भी इंजॉय करें, अपने बच्चों को दें, अपने मेहमानों को पेश करें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।